पहिया निर्माण के बाद मानव सभ्यता ने परिवहन व्यवस्था की ताकत को महसूस किया। परिणाम स्वरूप सड़कों का जाल बिछा, नए तरह के वाहनों का विकास हुआ, लेकिन इन सब के साथ एक अनिश्चितता का खतरा भी मंडराने लगा। जोहार, नमस्कार, शस्त्रीयकाल। आज दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कैंपस आ गए हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज कैंपस के अंदर और जानेंगे यहाँ के बच्चों से कि क्या कुछ ट्रैफिक रूल्स के बारे में वो जानते हैं और क्या गलतियाँ वो कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। गलत इंडिकेटर दिखाते हैं और गलत रोड में चले जाते हैं तो उससे होता है कि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी एज के लड़के जो मस्ती करते हैं, बाइक स्पीड में चलाते हैं, वो उन्हीं के बाइक स्पीड में उसके सामने से ले गए और अंकल डिसबैलेंस होके गिर गए। वो 15 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहे थे। मतलब किन्हीं और की गलतियों के कारण किन्हीं और को भुगतना पड़ता है। जो भी पर्सन इंजर्ड हो गया वो गिर जाता है तो सारे लोग आके घेर लेते हैं, तो ऐसे में होता है जो एयर नहीं जाता है तो सफोकेशन वो फील करता है पर्सन। इस चलते मैं चाहता है कि वो ना करे लोग। और बहुत को क्या करते हैं, आपके सेल्फीज लेने लगते हैं, फ़ोटो बना लगते, वीडियो बनाने लगते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। अभी एक्सीडेंट होता है तो लोग रुकते नहीं हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कहीं ना कहीं वो फाइट करेंगे, उनसे पैसे मांगेंगे, ये सब का डर रहता है, इसी वजह से वो रुकते नहीं हैं। अक्सर हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जिससे हम कई बार कुछ सीखते हैं तो कई बार उसे नेगलेक्ट करके चल देते हैं। इसी टॉपिक पे आज हम युवाओं से बात करने वाले हैं और पूछेंगे कि रोड सेफ्टी पर जो इंसिडेंट उनके साथ घटा है उससे क्या कुछ उन्होंने सीखा। हम 40-50 स्पीड में थे, सडनली रेड सिग्नल हुआ, मेरे सामने एक टेम्पो था डाला वाला, वो अचानक सडनली ब्रेक मारा। सडनली जब वो ब्रेक लिए डाला टेम्पो तो हम या तो उसमें फेंकाते या तो उसको साइड से जाते, तो हम उससे बचने के लिए जब साइड में कट किए तो फर्स्ट हम डायरेक्ट गवर्नमेंट वाली कार को गलती से टच हुआ, उसके बाद फिर हम डाल वाले टेम्पो में ही गिर गए। तो उतना हार्म नहीं हुआ, खाली हाथ मेरा अटक गया था लेफ्ट हैंड, तो उसी से सिर्फ मुझे हार्मफुल हुआ। हेलमेट्स था और मेरे पास वो कैमरा जो हेलमेट में लगाते हैं आजकल हुआ था, तो उसमें रिकॉर्डिंग भी फुटेज का है मेरे पास। तो बात से समझ आए कि सिग्नल अगर सामने है तो उतना भी स्पीड नहीं लेना है। मेरे भैया थे, अपने भैया बड़ी मम्मी के बेटे, ड्रिंक किए हुए थे ज़्यादा ही थोड़ा और एक ही थे, तो पता नहीं उस टाइम क्या हुआ, हेलमेट जबकि वो पहने हुए थे और रात में जा रहे थे और अचानक हम न्यूज़ आया कि वो उनका एक्सीडेंट हो गया है, कोई मार दिया है ट्रक और ऐसा हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो उनका वहाँ पर फिर दर्द हो गया ऑन द स्पॉट। एक अंकल साइकिल से बहुत ही धीरे जा रहे थे तो एक ऑटो वाला बहुत स्पीड में आके उनको टक्कर मार देता है और वहाँ पे वो गिर जाते रहे थे, उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है और वो ऑटो वाला वहाँ से हंस के चला जाता है। हम अपने एक फ्रेंड के साथ आ रहे थे स्कूटी से, तो हम लोग दोनों हेलमेट पहने हुए थे, तो हम लोग नॉर्मल स्पीड में चल रहे थे 40-50 के अप्रॉक्स, तो अचानक बहुत स्पीड में पीछे से एक आवाज़ से, मतलब आवाज़ दूर से आती है ना, तो वो आते हुए दिख रहा था, तो जस्ट बगल से क्रॉस किया, फुल स्पीड में था और अचानक उसका मतलब बैलेंस पूरा बिगड़ गया, तो जो डिवाइडर रहता है ना डिवाइडर से टकरा के पूरा उसका मतलब माथा वगैरह पूरा फट गया था। लास्ट मंथ मेरा ही एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मतलब मेरा हम गिर गए थे, हमको कोई बचाने के लिए नहीं आया था, देख के सब रोड पार होते, हम बैठे हुए वहाँ पे रो रहे हैं, कोई हमको देख के सब पार होते जा रहा है, फिर हम जैसे तैसे करके फिर गए घर, भाई था भाई के साथ, फिर हॉस्पिटल गए। मेरा ही फेस था, स्पीड में हम थे, हमको नहीं रहना चाहिए था, मतलब गाड़ी स्लो में चला, जितना घर जल्दी जाने का वो नहीं करना चाहिए।
यही कहना चाहते हैं सबसे कि प्लीज़ हेलमेट सबको ही पहनना है। हेलमेट के बिना मेरे भैया को तो जान गई है और भी बहुत किसी की जान गई है, ऐसे और किसी की ना जाए। शायद वो हेलमेट पहनते तो ब्रेन में चोट जो लगा था वो शायद कम लगता। Only one day my father himself got accident and there was no one coming for their help, but another man come and helped him and he was rescued to the hospital. So actually there is a return of karma. What you pay for the others, others will pay for them. एक्सीडेंट मेरे नाना जी के साथ हुआ था। वो दुर्गा पूजा के टाइम रोड के साइड में चल रहे थे और एक ट्रक ड्राइवर ड्रिंक करके उनको धक्का दे दिया और उनके पूरे इस पैर पे चढ़ के गया है और उसी एक्सीडेंट के कारण आज मेरे नाना जी को अपना पैर गंवाना पड़ा है। ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें रास्ते में, क्योंकि आज मेरे नाना जी अपने एक पैर के बिना जी रहे हैं। ड्राइविंग एक कला है, इसकी सही जानकारी से हम एक दूसरे को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ युवाओं से कि जो लाइसेंस उन्होंने बनवाया है वो किसके द्वारा बनवाया है, या किसी थर्ड पार्टी के मदद से उन्होंने ये लाइसेंस को बनवाया है, या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा पूरी प्रक्रियाएं होती हैं उसके द्वारा इन्होंने ये लाइसेंस प्राप्त किया है। सबसे पहले मैंने सारथी परिवहन ऐप पर अपना फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्म अप्लाई करने के पश्चात मैंने लर्निंग के लिए एक क्लास किया। क्लास के बाद मुझे टेस्ट देना पड़ा जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, जो रोड का सिग्नल, स्कूल का सिग्नल, हॉर्न कहाँ बजाना है, कहाँ टर्न लेना है, कहाँ टर्न नहीं लेना है, इस तरीके का एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट को मैंने पास करने के बाद उसके एक महीने उपरांत मुझे लर्निंग लाइसेंस मिल गया। लर्निंग लाइसेंस जब आया तो मैं अपने सहयोगियों से या भैया के मदद से मैंने गाड़ी चलाना सीखा। उसके बाद मैंने मेन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। सर लोग क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी का मतलब सहारा लेकर लाइसेंस बनवाते हैं, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, किस तरह से रोड में चलना चाहिए। ऐसे लोग सड़कों पर निकलते हैं तो वह एक तेज़ गति से वाहन चलाएंगे और कहीं ना कहीं आज तक जो भी हादसाएँ होती है वह इन्हीं धैर्यहीन लोगों के कारण होती है। लेकिन जो बंदा जो ट्रायल देता है, जो एग्ज़ाम दे के पास करता है, तो उसको ये सब चीज़ नॉलेज पहले से पता हुआ रहता है कि मुझे किस तरह से ड्राइविंग करना, किस तरह से रोड पर चलना है, तो वो ज़्यादातर मतलब कि लोगों को सेफ रख सकता है। आजकल आए दिन सड़क हादसे के मामले हमारे सामने आते हैं। जी आपको बता दें कि जितनी मौतें एक बीमारी की वजह से हमें सुनने को नहीं मिलती है, उससे कई ज़्यादा एक सड़क हादसे के मामले हमारे सामने आते हैं। भारत में हर 18 घंटे में 426 लोगों की मौत दर्ज की जाती है। सीनियर सिटीजन और मिडिल एज लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप भी ट्रैफिक रूल्स का फॉलो कीजिए, तभी ना बच्चे लोग जैसे देखेंगे तब ना इंस्पायर्ड होंगे जब हेलमेट पहन सके। हेलमेट यूज़ कीजिए, विदाउट हेलमेट आप कहीं नहीं निकलिए। आप लोग बोलते हैं कि यार मैं 100 मीटर का दूरी जा रहा हूँ, बस बगल में ही जा रहा हूँ, एक्सीडेंट आपको बोल के नहीं होगा, वो कभी भी एनी टाइम हो सकता है। तो भाई कहीं भी आप लोग निकल रहे हो हेलमेट का यूज़ ज़रूर कीजिए। जो भी लड़के हैं लड़कियाँ रोड पे चलती है, ईयरफोन कान में लगा लेती है एंड पीछे से जो भी मतलब हॉर्न बजता है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, तो ये हमारी भी गलती है। तो हमें पहले खुद की गलती देखनी चाहिए, ना कि पहले हम किसी और को ब्लेम करें। आफ्टर ड्रिंकिंग डू नॉट ड्राइव, क्योंकि पीने के बाद इंसान नहीं पता करने पाता है कि वो कौन स्पीड में जा रहा है, किस दिशा पे जा रहा है। दो हेलमेट कंपलसरी किया हुआ है, मगर सिंगल हेलमेट ड्राइवर पहनता और पीछे वाला नहीं पहनता। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो एक चेक पोस्ट बना हुआ रहता है उसके सामने से जो गली होता है वो शॉर्टकट बना हुआ रहता है, तो लोग क्या करते हैं वो शॉर्टकट गली लेने के चक्कर में वो एक तो नियम तोड़ते हैं पहला कि डबल हेलमेट नहीं लगाएं,
ऊपर से जो गली होता है वो गली बहुत छोटा छोटा होता है, उसमें भीड़ ज़्यादा होने लगता है क्योंकि वहाँ का आम पब्लिक आना जाना होता है। हमारे साथी जो बहुत सारे ड्राइविंग जो कर रहे हैं वो ओवरटेक कर ले रहे हैं, ठीक है, और जो ज़्यादा साउंड पोल्यूशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अगले पार्टी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लोग करते क्या है कि सबसे पहले जो अपना गाड़ी को रोड में ही लगा देते हैं, दो मिनट का काम है बोल करके जो है बहुत सारे लोगों को रोड में जाम का सामना करना पड़ता है। स्पीड में कट मार करके पार हो जाना, इधर उधर से जाने के बाद अचानक से बाइक को रोक देना, कार को रोक देना, दूसरों को क्षतिग्रस्त पहुँचा देते हैं। यहाँ बच्चों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की जाने वाली है, जहाँ रोड सेफ्टी के बारे में वो हमें बताएंगे और एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा हमें दिखाएंगे कि किस तरीके से हेलमेट हम लोगों के लिए ज़रूरी है। स्पीडिंग है, इसके कारण सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में। और लोगों में खुद से यह चेतना आनी चाहिए कि हमें किस स्पीड लिमिट में चलाना है और स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, और प्लस जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनके हिसाब से हमें चलना है। हम जब सुबह आते हैं तो हमें जाम देखने को मिलता है। जाम का सबसे बड़ा कारण जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ वो हो रही है स्कूल बसेस। दिन प्रतिदिन हमारे रांची शहर में, हमारी राजधानी में स्कूल्स बढ़ रहे हैं, विद्यालय बढ़ रहे हैं, तो विद्यालयों की बसेस भी बढ़ रहे हैं। अब बसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उनके रूट्स पे आज तक कोई काम नहीं हो पाया है कि वो कौन से निर्देशित रूट्स को यूज़ करें। ऐसे दिल्ली या बैंगलोर में ऐसे प्रावधान हैं कि स्कूल बसेस के लिए अलग से रूट्स, अलग से मार्किंग किए हुए हैं, जिनसे वो बच्चों को भी सुविधा हो, बच्चे भी जाम में ना फंसे और साधारण आने जाने वाले लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बाइक या गाड़ी तो खरीद लेते हैं लेकिन उन्हें जो भी उससे संबंधित दिशा निर्देश है, ट्रैफिक रूल है, उनके बारे में जानकारी नहीं होती है और ज़्यादातर वैसे ही लोग शहर में आकर फंसते हैं। तो अगर जगह जगह पर ये सारे दिशा निर्देश और नियम कानून जो है वो अगर लिखित रूप में उपलब्ध रहें कि किसका क्या अर्थ है, आपको किस तरीके से सड़क पर चलना है, तो लोगों को ज़्यादा फायदा होगा और इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। मुझे लगता है कि जो पेशेंट्स को लेकर एम्बुलेंस चलते हैं रोड पर, उनको कुछ मतलब ये दिया जाए, प्रारंभिकता दिया जाए, जिससे कि वो कितनी भी भीड़ है आराम से निकल जाए। नहीं तो एम्बुलेंस को भी बाकी ट्रैफिक के साथ बहुत देर वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ रिटर्न रूल्स हो, सभी गाड़ियां हट जाए और उनको रास्ता दिया जाए।
सड़क के किनारे आजकल जो सारे लोग स्टॉल लगाना शुरू कर दिए हैं, आप वहाँ पर जा करके खा रहे हैं पी रहे हैं, वहाँ व्यवस्था नहीं है ठीक ढंग से खड़े भी होने की। आप वहाँ पर एक तो खुद भी खड़े होते हैं, अपने साथ साथ अपने सहयोगियों को भी खड़ा कर लेते हैं खाने पीने के लिए, और आपका बाइक, आपका स्कूटी कुछ भी खड़ा रह जाता है, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये भी सड़क दुर्घटना का एक विशेष कारण है कि जहाँ पर भी स्पीड ब्रेकर है वहाँ पर व्हाइट कलर का पेंट या फिर जो भी विजिबल हो कलर वो कलर कर देना चाहिए। जैसे कि रोड में अक्सर व्हाइट ही कलर देखा जाता है, तो वही पेंट कर देना चाहिए ताकि हमें दूर से ही विजिबल हो जाए। फिलहाल में रांची में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है फ्लाईओवर का, उसमें से कंपनियां क्या की सोयल टेस्टिंग के लिए रोड पे गड्ढे की, गड्ढे करने के बाद या तो उसे फिल करना भूल गई या फिल ऐसे मटेरियल से की जो 10-15 दिन 20 दिन में वो फिर से उसी पोजीशन पे आ गए। तो कंपनियों को चाहिए कि उस गड्ढे को टाइम से फिल किया जाए, और साथ ही फिल किया जाए तो ऐसे मटेरियल से फिल किया जाए ताकि वो वापस से उसमें वो गड्ढा ना रहे। हम लोग जानवर के रास्ते में खुद का घर बना रहे हैं तो वो लोग इससे डिस्टर्ब होते हैं, तो ऐसे में होता है क्या कि वो हाईवे पे आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो इस काउज को हम लोग GIS के हेल्प से, ये टेक्नोलॉजी के हेल्प से इसको ये कर सकते हैं कि उनका एक रूट बना सकते हैं कि एलिफेंट का रूट क्या है, अगर जानवर है कोई नए मवेशी हैं तो किधर से जाते हैं, और उनके रूट को हम डाइवर्ट ना करके वहाँ फ्लाईओवर बना सकते हैं। आज बहुत धूल उड़ रहे हैं तो उसके लिए म्यूनसिपल पार्टी को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एज ए वेलफेयर पूरे रोड पे स्प्रे करना चाहिए जिससे डस्टिंग कम हो, और रोड के किनारे किनारे हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए जिससे फॉरेस्टेशन बढ़े और थोड़ा धूल कम हो। जैसा बॉम्बे दिल्ली में जेब्रा क्रॉसिंग है वहीं से लोग क्रॉस करते हैं, वैसे इधर भी होना चाहिए क्योंकि बच्चे दौड़ जाते हैं। मैंने कई बार देखा है स्कूली बच्चों को दौड़ जाते हैं, तो स्कूलों के पास कुछ खास ऐसा हो जिससे कि बच्चों को आराम हो। युवाओं में ईयरफोन और हेडफोन लगा के बात करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और अक्सर वो बाइक चलाते हुए भी ईयरफोन लगाए हुए होते हैं। इसके कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं पहले भी हुई हैं मोबाइल पर बात करने के कारण, फोर व्हीलर में भी और टू व्हीलर में आजकल ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो ये बहुत ही खतरनाक है आज के युवाओं के लिए, तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सामने वाले आने के लिए रास्ता नहीं है, उसके बावजूद जो दूसरे एंड से लोग हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन बना देते हैं। ये जो फ्यूडलिस्टिक अप्रोच है सड़कों के ऊपर वो शहरों का परिचय बन जाता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जो ग्रेजुएशन में बच्चे आते हैं उनको ये ज़रूर बताया जाए कि ओवर स्पीडिंग क्यों नुकसानदेह है और हेलमेट क्यों कितना ज़रूरी है। और एक सेशन मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने वाइस चांसलर से कि हर सेमेस्टर में 1 या 2 सेशन हम लोग रोड सेफ्टी अवेयरनेस पर ज़रूर करें। लाल का मतलब होता है कि आपको क्रॉस नहीं करना है, पीले का मतलब होता है कि क्रॉस नहीं करना है लेकिन आपको अलर्ट रहना है अब आगे बढ़ने के लिए, और हरा जो सिग्नल होता है वो एकदम इंडिकेट करता है कि अब आप आगे बढ़िए। सुझाव कई हो सकते हैं लेकिन जरूरत इस बात की है, हम इन बहुमूल्य सुझावों के साथ साथ ड्राइविंग के बेसिक नियमों का भी पालन करें। ऑटो स्टैंड से बाहर जाके आधा रोड को वो लोग कवर कर लेते हैं, जिसके वजह से हम लोग को जाने आने में तो दिक्कत होता ही है, और साथ में जो पीछे से अगर कोई व्हीकल अगर आ रहा है उसके वजह से एक तो ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। और व्हाई दे यूज़ लाइक रफली वर्ड्स, रॉन्ग वर्ड्स, फॉल वर्ड्स, इट्स वेरी हर्टफुल। उनको पता नहीं रहता, मे बी लोग अवेयर ना हो किसी चीज़ को लेकर, बट ये मुझे वर्ड्स बहुत हार्म करते स्पेशली फॉर लाइक गर्ल्स और लाइक वुमेन। लर्निंग स्कूल वगैरह रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, यातायात नियमों का सही ढंग से पालन कर सकते हैं, एवं सही जगह से उनको यातायात के चीज़ों नियमों का पता चलेगा। आज के दिन में देखा जा रहा है कि किसी भी रोड पे मार्किंग नहीं है और लोग प्रॉपर मार्किंग के बारे में पता नहीं है, डुअल मार्किंग, सिंगल मार्किंग, वाइट मार्किंग, येलो मार्किंग, इसके बारे में गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। सुरक्षित परिवहन व्यवस्था
एक सभ्य समाज की पहचान है, लेकिन जानबूझकर इसकी अवहेलना करना खतरनाक है। प्रशासन जगह जगह पर मुस्तैद है, हमें इनका भरपूर सहयोग करना है, तभी एक अच्छी परिवहन व्यवस्था का विकास होगा। अक्सर पा ये रहे हैं कि फास्ट ड्राइविंग करते हुए बाइक हो या फोर व्हीलर हो, रात हो या दिन में, कई लोग एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं और एक हंसता खेलता परिवार तुरंत गमगीन में बदल जा रहा है। जब भी गाड़ी अगर चलाते हो, ड्राइव करते हैं, तो अपना ख्याल तो कीजिए ही, दूसरे का भी जो ख्याल कीजिए, जो पैदल चलने वाला हो या स्लो चल रहा हो। मतलब है कि एक्सीडेंट से खुद आपको भी बचना है और दूसरे को भी बचाना है, ये तो आपका फर्ज है। अब हम कैंपस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जहाँ पर सड़क सुरक्षा की जागरूकता को लेकर के पूरे कार्यक्रम में हमने छोटी बड़ी गलतियाँ जो हम अपने जीवन में, निजी ज़िंदगी में करते हैं, उन पर बातें की। और आज के युवाओं से हमने जाना कि क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं और जो गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। मैं श्रुति परमार अपनी पूरी दूरदर्शन टीम के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार जौहार। विकास अच्छी और बुरी कई चीजों का वाहक होता है। परिवहन का विकास भी इससे अछूता नहीं है। जीवन अनमोल है, इसे तेज रफ्तार और सही जानकारी के अभाव में व्यर्थ नहीं करना है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।